Hello guys, my name is Akash and welcome to the second revision lecture for the second chapter, Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping System. Okay, so let's start. It is a revision lecture which is to be heard only before your exams and which will give you an edge while entering your exam. If you are given, your exam is like 24 hours of gap is there between two exams, you can go through these revision lectures. Okay. But those who are hearing it for first time, you won't be able to get anything. Okay, so it will be in English, as you know. The meaning and definition of double entry bookkeeping system. The meaning and bookkeeping system is introduced by Luca de Borgo Pacioli. Okay, on 10th November 1494. और उस दिन को बोला जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे 10th नवंबर 1494. इसमें क्या होता है, वन इज द रिसीवर एंड बेनिफिट एंड द वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, ये प्रिंसिपल पे चलता है. और इसमें ऐसा होता है टू एस्पेक्ट्स जो है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. According to modern approach, every business transaction is concerned with asset, liability, capital, expense and income. फिर ये बोलता है कि methods of recording accounting information. तो बोलता है कितने टाइप की मेथड है. तो बोलता है एक होता है इंडियन मेथड, एक होता है इंग्लिश. उसके अंदर आती है सिंगल एंट्री, उसके अंदर रहती है डबल एंट्री. ये जनरली क्या आता है, Indian system maintains records in Indian language such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. It is called Mahajani Deshinama system. In this system, transactions are recorded or maintained in a large book. ऐसी बहुत बड़ी बुक आती है उसको बोलते हैं वही खाता और किर्त. ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये बताता है. फिर इंग्लिश में जब इंग्लिश सिस्टम में चले जाते हैं हम लोग तो उसमें होता है सबसे पहले सिंगल एंट्री. इसमें क्या होता है, ओनली द रिकॉर्ड्स ऑफ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड. It is unscientific method and incomplete system of recording. और ये accurate information भी नहीं देता है, does not provide accurate information. Double entry system. Double entry system is the most scientific method जो अपन use करते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं. Okay? All the business transaction in books of accounts under this system, double or two fold effects of each transaction is recorded. मतलब हर एक चीज को, हर डेबिट को हर एक क्रेडिट रहेगा. ऐसा बोला, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज टू बी क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट. मतलब बोलते हर एक डेबिट को एक क्रेडिट होना ही चाहिए और हर एक क्रेडिट को एक डेबिट होना ही चाहिए. एवरी डेबिट एज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये वाली लाइन बहुत मेन है, ये तुम लोग कर लो, ठीक है, पढ़ लो. इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो बोलते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके, ऐसे तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला कोई आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमने प्रिपेयर रहना चाहिए. ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहला ही है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो. जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर दो, लेजर में उसको पोस्ट कर दो, लेजर का बैलेंस कर दो, उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ और उससे PNL बना दो और बैलेंस शीट भी बना दो, समझा. फिर ये तुमको पढ़ना है. प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो बोलता है मिनिमम टू इफेक्ट्स होने ही चाहिए, डेबिट और क्रेडिट. रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट होना ही चाहिए. डेबिट अदर अकाउंट्स मस्ट बी क्रेडिटेड, मतलब डेबिट हो रहा है तो उधर क्रेडिट होना ही चाहिए और सेम अमाउंट्स के साथ डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, वो भी होना ही चाहिए, ठीक है. एडवांटेजेस क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, बोलते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड क्योंकि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, एक्यूरेसी हो जाती है, चेक अरिथमेटिकल एरर्स भी हो जाता है. क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट के साथ करना है, मतलब दोनों दोनों चीजें आप सेम अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करोगे तो उसके अंदर कोई तुमको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसके अंदर फर्क नहीं मिलेगा अगर दोनों साइड पे सेम अमाउंट के साथ कर रहे हो. और यही एक ड्यूअल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से अपना बैलेंस शीट टैली होता है, ये तुम लोगों को पता चल गया. ओके, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम लाइबिलिटीज, asset, debtors and creditors, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out the accurate business result. अगर से एकदम जैसे तुम लोग recording करोगे तो तुमको business का जो भी result है वो भी मिलना start हो जाएगा और वो भी accurate मिलेगा.
कॉमन एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कॉमन एक्सेप्टेंस हो जाएगा सबका। भाई ये वापस बोल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, फुल फ्लेज वीडियो करने होगी तो आपको लास्ट पे जो नंबर है उसके ऊपर कॉल कर देना या मैसेज कर देना। ये सबको फ्रीली अवेलेबल करने की कोशिश है। ओके, फिर बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जो होते हैं उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, ये अपने सबको पता है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब इसमें इसमें जो इधर इधर नहीं आया ना वो इधर आ जाता है। ये एक छोटा सा एजम्पशन है इसके अंदर। नेचुरल पर्सन मतलब भाई सतीश सुरेश रमेश उसका अकाउंट, जैसे अशोक सुनीता उसका अकाउंट, मतलब जो एक्चुअल पर्सन पर्सन से। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है कि कोई बॉडी के तहत या कोई एक्ट के तहत उनको उठाया गया है, जैसे बैंक को बैंकिंग एक्ट के तहत उठाया गया या बनाया जाता है तो आर्टिफिशियल पर्सन आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जो किधर के नहीं वो इधर आ जाते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, फिर इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल क्या होता है, जो छू सकते कर सकते। इन शॉर्ट रियल अकाउंट अपने एसेट साइड होता है, एसेट्स अकाउंट होते हैं जो अपन ओन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, टेंजिबल चीजें, इनटेंजिबल चीजें। टेंजिबल में क्या आता है, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, जो जो हाथ लगा के उठा सकते हो इसमें आ जाता है। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट आते हैं। नॉमिनल में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है एक तो, और इनकम और गेंस आते हैं, मतलब टोटल पीएनएल का जितना भी वो इधर आ जाता है। डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। क्या बात है, फिर बोलता है गोल्डन रूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जिंदगी भर काम आएगा, तो देख लीजिए। ठीक है, बोलता है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट का क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अपन ने देखा कि डेबिट एक साइड से डेबिट होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट होना चाहिए अकाउंट, लेकिन कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होगा क्या होगा तो अपने को नहीं पता, राइट? तो वो बोलता है ये रूल्स फॉलो करो तुमको पता ही जाएगा। तो अगर पर्सनल अकाउंट की कोई चीज रही जो अकाउंट को हमने बायफर्केट किया है, तो पर्सनल अकाउंट की चीज है तो ये वाला रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट वाला अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाना है। और नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये वाला लगाना है। बाकी सब तो ये था। अभी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अभी कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, बैंक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उसको एक एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है। तो बोलता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो इसमें बैंक पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं हम सब लोग। तो क्या आता है, डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या है, फिर बैंक रिसीव कर रही है ना ये, और कैश को रियल अकाउंट का लगाते हैं हम लोग। तो कैश क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर जा रही है बिजनेस से, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम को तुम्हारे 24 आवर्स बचे, ये सब समझाने की मेरी जरूरत नहीं है, सबको आता ही होगा। फिर बोलता है वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा अपने, अब बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है वो सुनो। अब बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो बोलता है असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जो है ये बैलेंस शीट का फॉर्म बन जाता है, राइट? रेवेन्यू एंड गेन्स और एक्सपेंस एंड लॉसेस जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनते हैं। फिर ये वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मजा आती है करने में, ये बोलती है फंडामेंटल्स फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर इंक्रीज इन एसेट है तो वो डेबिट कर देंगे, इंक्रीज इन एसेट है डेबिट है, मतलब रियल अकाउंट है। अगर दिमाग लगाना है रियल अकाउंट है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए एसेट को इंक्रीज किया जाता है और उसको डेबिट किया जाता है, डिक्रीज क्रेडिट कर देगा व्हाट गोज आउट। तो अपने अपने बहुत डीप गए थे इसके अंदर, कम से कम अपन 3 लेक्चर ये चैप्टर के लिए लगाए थे, तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल यह लगता है। बट वो जानते हो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, अपना लास्ट दिन है आज कॉमर्स का, तो कंफ्यूज नहीं होते। चलो जैसा आपने टेक्सट बुक पे दिया है वही बता दो, अगर एसेट इंक्रीज कर रहे हो तो डेबिट करो, एसेट डिक्रीज कर रहे हो तो क्रेडिट मारो, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हो तो डेबिट मारो, एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हो तो क्रेडिट मारो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कर रहे हो तो क्रेडिट मारो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी कर रहे हो तो डेबिट मारो। करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रेवेन्यू ऑब्लिक गेन्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड। भाई ये रट्टा मारो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आया है, पता नहीं तुम्हारे क्लासेस में कैसा पढ़ा है, लेकिन हमने बहुत इसको डिटेल्स में गए। जैसे अभी चलो चले जाते हैं, लाइबिलिटी जो है कभी भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, कभी भी देखो तो अगर क्रेडिट है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी कभी भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, जब अपन लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तब ये हो जाएगा। ये तो फुल फ्लेज लेक्चर देख लो, उसमें मजा आ जाएगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स इज क्रेडिटेड, रेवेन्यू गेन्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट मारते हैं, तो जब मतलब जब नया रेवेन्यू गेन्स आ गया तो उसको क्रेडिट मारेंगे, जब कोई रेवेन्यू गेन जो लॉस हो गया उसको डेबिट मारते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है लॉस होना, बट ठीक है अभी लिखा है तो देखो। ये तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ो, वापस चाहिए तो मैं बता देता हूँ। एसेट इंक्रीज करते हैं तब डेबिट हो जाता है, एसेट अगर डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया, एक्सपेंस अगर कम होता है क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो क्रेडिट होगा एंड डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। फिर बोलता है अगर रेवेन्यू एंड गेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ये सब, तो एग्जाम्पल ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बीच में ये वाला, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़े थे। ये क्या बोलता है, ये अपना बैलेंस शीट है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, उसका टोटल है। अभी इसमें दो चीज आती है, एक आती है लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, और एक आता है शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है। तो ये क्या बोलता है, दिस मतलब इसका टोटल इक्वल्स टू इसका टोटल, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना ही चाहिए, तब जाके तुम्हारा सक्सेस हुआ है कुछ तो। बस फिर तो तुमको मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने हैं, जैसे भी एसेट दे दिया 10 तो बोलते लाइबिलिटी कितना है, तो 10 हो जाएगा, राइट, तो 10 हो जाएगा क्योंकि इक्वल होना चाहिए। फिर बोलता है एसेट से 10 लाइबिलिटी है 5, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब वही पचकांड है, अपने को बच्चे समझते रहो। ठीक है, ये जो है ये लाइबिलिटी जो इसको बोलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी, और ये जो कैपिटल है ना शेयर कैपिटल, लिख दो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। हाँ तो शेयर कैपिटल नहीं है, वही से समझ के लो कैपिटल इज, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर्स कैपिटल, या तो सिर्फ कैपिटल इनसाइडर लाइबिलिटी, बाकी तुम लोग देख लो इजी तो है बहुत। तो इसी के साथ अपन अपना सेकंड चैप्टर का रिवीजन खत्म करते, होप सो आप लोगों को थोड़ा यूज में आया होगा, अच्छे से बोलो। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को फर्दर क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो।
क्या बात है, 9404573077।